ये नया भारत है जो किसी के सामने झुकता नहीं, और जो इसे छेड़ने की कोशिश भी करता है तो उसे नया भारत छोड़ता नहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह से कमर कस चुका है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने हिमाकत की तो सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह कमर कस चुके हैं। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें सुरक्षा बलों की उसी तैयारी की हैं। देखिए किस तरह अमरनाथ यात्रा के वक्त मुश्किल हालातों से निपटने के लिए जवान पसीना बहा रहे हैं। देखिए किस तरह सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मिलकर आतंकियों के हमले से निपटने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तस्वीरें सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी के नुनवान बेस कैंप की है। नुनवान बेस कैंप पर आतंकियों से निपटने का डेमो दिया जा रहा है। तैयारी की जा रही है कि कैसे आशंकित आतंकी हमले को बेअसर किया जा सकता है। तस्वीरों में दिख रहा है कि जब दो आतंकवादी बेस कैंप के अंदर घुस जाते हैं, इसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ पूरे इलाके की घेराबंदी कर लेती है। देखते ही देखते दोनों आतंकियों को मार गिरा दिया जाता है, और जब आतंकियों को मार गिराया तो कैसे सुरक्षा बल उनके पास जाते हैं और हथियार छीन लेते हैं। डेमो दिया जा रहा है कि कैसे आतंकियों को मार गिराने के बाद उनके पास पहुंचा जाए, क्योंकि आशंका ये रहती है कि कहीं मार गिराए आतंकियों के पास विस्फोटक तो नहीं। पहले मशीनों से जांच की जाती है, सुरक्षा के लिए स्नीपर डॉग का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आतंकी को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। इसके बाद पूरे इलाके को तब तक कब्जे में रखा जाता है जब तक सुरक्षा बल पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते कि इस इलाके में कोई और आतंकवादी मौजूद नहीं है। Several models of SOPs focusing on the key security features of anti-terrorism, anti-ID operations, law and order, etc. at various places in Andhra district like camps, national highway. Through this we want to send a message that Yatra is very safe between police, CAPF, Indian agencies and civil administration, and we assure the Yatris that we are well prepared and we are dedicated to serve you, and we request only one thing from Yatris: please follow the security guidelines and cooperate with the security personnel. दरअसल 29 जून से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। पिछले ही दिनों रियासी में एक यात्री बस पर हुए आतंकी हमले में 9 यात्रियों की मौत हो गई थी, और इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों की बदली रणनीति की तरफ इशारा किया था। ऐसे में अमरनाथ यात्रा के लिए भी खतरे की घंटी है, और इस चुनौती से निपटने के लिए सुरक्षा बल मुस्तैदी से जुटे हुए हैं।